हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। टुडे वी लर्न अबाउट सेंटेंस, सेंटेंस की डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस की जरूरत हमें क्यों होती है? कुछ भी रीड राइट एंड स्पीक, बोलने के लिए, लिखने के लिए हमें सेंटेंस की जरूरत होती है। सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। वर्ड्स का जो ग्रुप हो, जिसका कोई मीनिंग हो, सेंसफुल हो, ग्रुप वर्ड्स का, उसे सेंटेंस कहते हैं बच्चों। अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट है, विल द टीचर बी लेट, क्वेश्चन मार्क लगा है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सेकंड है, ही स्कोर्ड अ गोल, ये एक सिंपल सेंटेंस है। इसी टाइप से ये सभी एग्जाम्पल हैं। अब आप आगे पढ़ेंगे सेंटेंस के टाइप तो आपको क्लियर हो जाएगा कितने टाइप के सेंटेंस हैं, तो ये एग्जाम्पल आप समझ सकेंगे। अब हैं सेंटेंस के टाइप्स। सेंटेंस के फोर टाइप्स हैं। फर्स्ट डिक्लेरेटिव, सेकंड इंटरोगेटिव, थर्ड इम्पैरेटिव एंड फोर्थ है एक्लामेटिव। ये फोर टाइप के सेंटेंस हैं। ये अपने नेम से ही आपको क्लियर कर रहे हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। फर्स्ट है डिक्लेरेटिव, सेंटेंस दैट टेल समथिंग, जो कुछ डिक्लेयर कर रहा है, साफ बात बोल रहा है, सिंपल सेंटेंस है, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसके एंड में फुल स्टॉप होता है। सेकंड है इंटरोगेटिव, और सेंटेंस दैट आस्क समथिंग, जिस सेंटेंस में कुछ पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, वह इंटरोगेटिव, इसके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट है इंपैरेटिव, और सेंटेंस दैट टेल समवन टू डू समथिंग, जिस सेंटेंस में कुछ करने को बोला जाता है, कोई कमांड दी जाती है, कोई रिक्वेस्ट की जाती है, सजेशन दिया जाता है, वो है इंपैरेटिव सेंटेंस, इसमें भी फुल स्टॉप होता है एंड में। एक्लामेटरी, इसमें सेंटेंस दैट शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जिसमें जॉय, स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो की जाती है, वो है एक्लामेटरी सेंटेंस। देखिए डिक्लेरेटिव में, डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक स्टेटमेंट, सीधी स्टेटमेंट, सीधी बात की जाती है। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है।